नमस्कार, बहुत स्वागत। इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर सुकमा से, वो आपको बता दें। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कई घंटों से ये मुठभेड़ जारी है। 11 जवानों के घायल होने की जानकारी अब तक लगी है और घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। मुठभेड़ में 11 जवान घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर लिए जाने की जानकारी मिल रही है। और सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जवान सुरक्षित है, एयरलिफ्ट कर उन्हें पास के कैंप तक ले आया गया है। बेहतर इलाज के लिए आगे भेजे जाने की तैयारी चल रही है। 11 जवान घायल हुए हैं। कई घंटों से ये मुठभेड़ चल रही है। सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट है? जवान सुरक्षित हैं? क्या मुठभेड़ अभी भी चल रही है? बताएं जरा। हाँ जी, आपको बता दूं कि अपडेट अभी ये है कि मुठभेड़ बंद हो चुकी है। लास्ट मुठभेड़ 4 बजे बताई जा रही है कि उस वक्त तक जो है मुठभेड़ चल रही थी, उसके बाद जो है मुठभेड़ बंद हो चुकी है। जवान अभी भी वहां पर मौजूद है, वहां पर कैंप स्थापित किया गया है ताकि उस इलाके में शांति बहाल हो सके। और जितने जवान जो घायल थे, जिसमें से 4 जवान जो गंभीर रूप से बताए जा रहे थे, उनको एयरलिफ्ट कर दिया गया है। उनका बेहतर इलाज जो है अभी रायपुर में चल रहा है। और बाकी 11 जवान जो घायल हुए, जिनको मामूली चोटें आई है, किसी के पैर में चोटें आई है, किसी के हाथ में चोटें आई है, ये सभी चोटें जो है एकाएक नक्सलियों ने ताबड़ और हमला कर दिया था। और बीजीएल दागे थे, जो एक देसी बम होता है नक्सलियों का बनाया हुआ है, वो दागे थे। उसके जो छर्रे होते हैं, उसके छर्रों से जो है जवान घायल हुए थे। उनका सभी जवानों का प्राथमिक इलाज जो है पास में ही सिलगेर में एक कैंप है जहां पर किया गया है। सभी जवान सुरक्षित है फिलहाल। और फिलहाल जो है मुठभेड़ बंद हो चुकी है, लेकिन इलाका काफी कोर इलाका है, काफी नक्सलियों का घना कोर इलाका माना जाता है। उस इलाके में बटालियन काम करती है। 2021 में उसी इलाके में हिडमा ने 22 जवानों को शहादत दी थी हमला करके। वही इलाका है जहां पर जवान पहुंचे हैं, वहां पर कैंप स्थापित किया गया है, जवान अभी भी वहां पर मुस्तैद है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब बात चुनावों की। न तारीख तय, न उम्मीदवार सामने आए, फिर भी नेताजी अपना दरबार छोड़कर जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर के लिए पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी बाजार सजने को तैयार है। राजनीतिक पार्टियां वादों की टोकरी में भरोसे का मसाला भर चुकी हैं और जल्द इसकी होम डिलीवरी शुरू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में जुटी हर सियासी पार्टी के लिए इस वक्त हर इंसान एक वोटर है। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम 2024।